इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। कोर कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जब वहां पहुंचा गया, भेजा गया, ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस चला रहा था उस पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। एकनाथ शिंदे, ये देवेंद्र फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। हालांकि नतीजे आने के बाद से लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से बहुमत हासिल किया उसके बाद बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। हालांकि खींचतान अंदरूनी ही देखी गई, जहां पर एकनाथ शिंदे लगातार अड़े रहे और कई मीटिंग्स का हिस्सा वो नहीं बने, जिससे ये जाहिर रहा कि उनकी कोई नाराजगी रही होगी। हालांकि केंद्रीय पर्यवेक्षक जब वहां पर पहुंचे तो ऐसे में विजय रूपाणी ये कह चुके थे कि सभी दलों से बातचीत करके ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो भाजपा विधायक दल की बैठक में इस बड़े फैसले को लिया गया, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी उनके साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। भवानी, जय शिवाजी, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की। आज आपल्या सर्वांकरता अत्यंत हर्षोल्लास आणि आनंदाचा दिवस आहे। आज आपल्या विधिमंडळ गटनेत्यांची निवड आहे आणि या निवडीकरता। तो चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार खींचतान जो थी वो देखने को मिल रही थी। एकनाथ शिंदे को आखिरकार मना लिया गया है, डिप्टी सीएम वो रहेंगे और सीएम देवेंद्र फडणवीस, और एक औपचारिक सी बैठक ही रही क्योंकि लगी रात और संभावना यही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी से होंगे, और जब बीजेपी से मुख्यमंत्री होंगे तो एक ही नाम, एक ही चेहरा जो है वो सबके नज़र में था, वो थे देवेंद्र फडणवीस। आज जो है सवेरे ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक थी, तमाम जो बीजेपी के चुने हुए विधायक हैं पूरे महाराष्ट्र के वो आज यहाँ पर पहुंचे थे और विधायक दल का नेता चुना जाना था। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है, हर एक विधायक जिनसे भी हम बात कर रहे थे उनके जुबान पर एक ही नाम था, देवेंद्र फडणवीस। और अंदर भी जब चंद्रकांत दादा पाटिल और सुधीर मुंगन तिवार ने जो है वो प्रस्ताव रखा देवेंद्र फडणवीस के नाम का, तो सभी विधायकों ने एक सुर में जो है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति जताई, यानी कि बीजेपी के विधायक दल के नेता जो है वो देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है, यानी कि अब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये पहले दिन से समझा जा रहा था कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होता है तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो एक शॉकिंग जो निर्णय लिया उसके बाद से एक असमंजस जरूर थी, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। पंकज, लेकिन ये भी यहां से समझना होगा वो कौन से फैक्टर्स रहे जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को मनाने में कामयाब रही। खास तौर पर बात करें एकनाथ शिंदे की, जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में गृह मंत्रालय के लिए अड़े हुए थे, लेकिन गृह मंत्रालय एक ऐसा डिपार्टमेंट जो बीजेपी, जब एकनाथ शिंदे भी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे तब भी वो देवेंद्र फडणवीस के पास था, और 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी वो बीजेपी के पास यानी देवेंद्र फडणवीस के पास था, लेकिन गृह मंत्रालय छोड़िए अब डिप्टी सीएम के पद पर भी वो मान गए हैं। क्या वो फैक्टर्स रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक ऐतिहासिक जो है वो जीत मिली, 132 सीट के साथ बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, और इतिहास में अब तक इस तरह का जो जीत था वो बीजेपी को कभी नहीं मिला था। ऐसे में ये तो तय था ही कि अब अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी से होगा, और जब बीजेपी से होगा तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे।